टैलेंटेड इंडिया न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम कवियों की महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिवादन। दर्शकों, वैसे तो इस एपिसोड में, इस प्रसिद्ध कार्यक्रम के प्रत्येक एपिसोड में हम देश के धुरंधर कवियों को, एक से एक कवियों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते आए हैं, और इस बार भी हम एक ऐसे कवि को आपके बीच लेकर आ रहे हैं जो हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी हास्य की बातों के लिए, अपनी हास्य की कविताओं के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। ऐसे कवि हैं श्री अतुल ज्वाला। अतुल भाई, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अतुल भाई किस्म किस्म से अपनी बात को रखने में माहिर है, और अपने अंदाज से अपनी बात को जब रखते हैं तो निसंदेह अतुल भाई आपकी मुखारविंद से निकली हुई अभिव्यक्ति श्रोताओं को आह्लादित कर देती है, उत्साहित कर देती है, उमंग से परिपूर्ण कर देती है, हंसाने पर विवश कर देती है, और आपकी बात करने की अदा ही कई लोगों को फिदा होने पर विवश करती है, क्योंकि आपकी बात हीरा है, बात मोती है, बात चांदी है, बात सोना है, बात हर बात को नहीं कहते, बात बात बन जाए ऐसी बात का तो रोना है, और बात को बात बनाने की कला अतुल ज्वाला जी में निसंदेह बखूबी बहुत अच्छी है, उम्दा है। तो आप अपनी बातों से हमारे श्रोताओं को हंसाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। टैलेंटेड इंडिया न्यूज चैनल के सभी दर्शकों के समक्ष मैं उपस्थित हूँ कविताओं के लिए। हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूँ, और आपके चेहरे पर यह हंसी बनी रहे इसलिए हर वक्त में खुद को एक जोकर समझता हूँ। वाह वाह वाह। तो हम तो आपकी हंसी के लिए हम मेहनत करते हैं, आपके चेहरे पर हंसी पहुँचे, और हम तो क्या देखिए मालवा के लोग हैं अपन, तो भैया सब में खुश रहते हैं। मेरा तो एक ही मूल मंत्र है कि हम हर बात में खुश रहने वाले लोग हैं। आज देखिए, आप किसी से भी कोई प्रश्न पूछो आप, वो उसके पेशे के हिसाब से जवाब देता है। मैंने, मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, उनसे पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? डॉक्टर साहब बोले, पत्नी आयुर्वेदिक दवाई है जो धीरे धीरे असर करती है, लंबे समय चलती है, और इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है। क्या बात है, कि इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है, लेकिन प्रेमिका एलोपैथिक दवाई है जो सीधे रिएक्ट करती है, असर तुरंत करती है पर साइड इफेक्ट करती है। ये स्थितियां, मैंने यही प्रश्न पुलिस वाले भाई साहब से पूछ लिया। अच्छा, पुलिस वालों का मामला बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते और ख़राब भी नहीं कह सकते हैं। हमारे यहाँ खजराने का मेला लगा भैया, आपने इंदौर में खजराना के मेले में सारे झूले वूले सब लगे थे, वजन तोलने की मशीन आई, उस पर एक लड़की चढ़ी, उसने नेवी में फार्म भरा, उसको एग्जैक्ट वजन की ज़रूरत, उसने एक का सिक्का डाला, वजन आया 52 किलो, उसने पर्स अलग रखा, फिर सिक्का डाला, वजन आया 51 किलो, फिर उसने जैकेट और दुपट्टा अलग रखा, फिर सिक्का डाला, फिर वजन आया 50 किलो, उसको एग्जैक्ट वजन चाहिए था। आपकी बार उसने सैंडल उतारी, फिर सिक्का डाला, वजन आया 49 किलो, अब वो उतर के जाने लग गए थे, पुलिस के हेड साहब दौड़े दौड़े आए कि भाई तू काम चालू रख, सिक्के बहुत है मेरे पास। तो ये स्थितियां हैं। मैंने वही प्रश्न एक पुलिस वाले से पूछ लिया, मैंने कहा हेड साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? हेड साहब बोले, ये बड़ा ही खतरनाक केस है, पत्नी वर्दी है और प्रेमिका सिविल ड्रेस है। क्या बात है? पत्नी वर्दी है, प्रेमिका सिविल ड्रेस है, वर्दी में रोब झड़ता है, सिविल ड्रेस में हाथ जोड़ना पड़ता है, पत्नी मासिक पगार है जिसमें रिश्वत पर बैन होता है, और प्रेमिका रिश्वत है, इसे वही लेता है जो ट्रेंड होता है। बात है, वाह वाह। इसे वही लेता है जो ट्रेंड होता है, लेकिन अतुल ज्वाला कहता है कि पत्नी पत्नी होती है, पत्नी घर की लक्ष्मी, घर की शोभा होती है, पत्नी रूठ जाए तो जीवन के रंग और रंगीनियां रूठ जाती है, और प्रेमिका के चक्कर में अच्छी भली गृहस्थी टूट जाती है। तो ये स्थितियां है भैया। मुझे ध्यान है अतुल भाई, आपने पुलिस वाले का जिक्र किया, मेरा एक मित्र है जी, वो आया मेरे पास, पलोड़ साहब मेरी वाइफ घूम गई, मैंने कहा पुलिस थाने में रिपोर्ट करवा, उछल पड़ा, नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं करवाएगा? बोले पिछले महीने मेरी बाइक घूम गई थी। तो बोले कुछ नहीं, ढूंढ तो पट्टों ने 24 घंटे में ली, पर दी 15 दिन में। तो बड़ा खतरनाक मामला है। और देखिए, इस खतरनाक मामले को जीने की कला
एक साहित्य प्रेमी किस तरह से करता है, आपने बखूबी उसको अपने किरदार के साथ, अपनी कविता की पंक्तियों के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। मुझे ध्यान है आप चूंकि ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं और आपकी एक गांव वाली भी बहुत अच्छी कविता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं स्वयं भी चूंकि गांव की पगडंडी पर, गांव की धूल में लिपटकर अपने आप को बड़ा करने का जो बचपन का किरदार निभा पाया हूँ, मुझे उस पर अपने आप पर फख्र है। और देखिए गांव का बड़ा मामला ही ऐसा है, गांव का कुत्ता मुंबई आया। हाँ। तो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर उसको रिसीव करने के लिए उसकी जाति के बहुत सारे कुत्ते आए। तो गांव के कुत्ते ने मुंबई के कुत्तों को देख के पूछ ली, दाएं बाएं बाएं दाएं। तो मुंबई के कुत्तों ने भी गांव के कुत्ते को देख के पूछ ली, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो गांव के कुत्ते ने मुंबई के कुत्तों से कहा कि भैया ये हम सारे कुत्ते तो दाएं बाएं बाएं दाएं पूछ हिलाते, मगर तुम ये मुंबई के कुत्ते ऊपर नीचे पूछ क्यों हिलाते। तो मुंबई के कुत्तों ने गाँव के कुत्ते से कहा बेटा थोड़े दिन मुंबई रह जाएगा तो तू भी ऊपर नीचे पूछ हिलाने लग जाएगा, क्योंकि मुंबई में इतनी जगह ही कहाँ है कि दाएं बाएं जाए। जिस तरह से अतुल भाई मुंबई से जगह सिमटती चली जा रही है, उस तरह से इस देश के लोगों में गांव के प्रति जो त्याग और समर्पण भाव था उसमें कहीं ना कहीं सिमटाव होता जा रहा है, पलायन करके लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। तो मैं आपकी लोकप्रिय कविता गांव वाली जी बिल्कुल तक पहुंचाना चाहता हूं। दर्शकों से भी मेरा एक निवेदन है, हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ हंसाना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि अर्जुन यदि मिल गया तो कृष्ण की गीता हो जाएगी, व्यथा हृदय की आंख में पावन सरिता हो जाएगी, और आपके लायक यदि हमें भी कुछ कहना आ गया तो हमारी एक पंक्ति में ही संपूर्ण कविता हो जाएगी। वाह वाह, क्या। तो आपने जो विषय कहा मैं वहां से शुरू करता हूँ। सभी को अपना बचपन याद आता होगा, मैं और कई लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं उन्हें क्या क्या याद आता होगा अपना गांव का वो बचपन, गांव वो दोस्त। तो सुनिएगा कविता। स्वागत। कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, शंकर बाके बाड़े से जो चुराए थे होली के लिए कंडे। कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, शंकर बाके बाड़े से जो चुराए थे होली के लिए कंडे, रखा है डिब्बा गोटियों वाला जिनमें अब भी ये चमक, रखी है माचिस के खोके की ताश पत्ती जिनमें लग गई ये दीमक, रखा है धागा भरा उचक का वो पतंग उड़ने को आतुर है, वो डोर से लिपटा हुआ भवरा घूमने को आतुर है, रखा है वो साइकिल का टायर जिसे मैं खूब चलाता था, रखी है डिब्बे की नकली टीवी जिसमें मैं फिल्म दिखाता था, वो चबूतरे जिन पर खेलते थे, वो धूल से प्यार कर रहे हैं, गांव में है कुछ दोस्त जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। गांव में है कुछ दोस्त जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, दोस्त बैठे हैं नदी के पनघट पर, रेत और मिट्टी उड़ा रहे हैं, लौट आए एक बार फिर बचपन में यही कहकर बुला रहे हैं। कि लौट आए एक बार फिर बचपन में यही कहकर बुला रहे हैं। और कौन दोस्त हमेशा आपको भी याद आते होंगे पंक्तियों के साथ यात्रा करना, कि बैठे हैं नदी के पनघट पर, रेत और मिट्टी उड़ा रहे हैं, लौट आए एक बार फिर बचपन में यही कहकर बुला रहे हैं, याद है वो दोस्त जिनके साथ स्कूल से भाग आते थे, वो आम के बाग जहाँ छुपकर आम चुराने जाते थे, वो गन्ने की बैलगाड़ी से मेरे लिए गन्ने खींचने वाले दोस्त, याद कीजिएगा बचपन को, कि गन्ने की बैलगाड़ी से मेरे लिए गन्ने खींचने वाले दोस्त, डांट खाते वक्त एक दूसरे के पीछे छुपने वाले दोस्त, शहद के लिए मधुमक्खी के छत्ते ढूंढने वाले दोस्त, और त्योहार पर मेरे साथ आम के पत्ते ढूंढने वाले दोस्त, वो दोस्त बहुत याद आते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत याद आते हैं, तुम्हारी पुरानी दोस्त आइए मोबाइल पर बताते हैं। और कौन दोस्त आपको हमेशा याद आते होंगे, अंतिम दो पंक्तियों में सुनिएगा, कि याद है वो दोस्त वो बचपन के दिन, वो बचपन के दोस्त, वो बचपन के गांव, अब भी ख्वाबों में बच्चे की तरह मचलते हैं, मजबूरी के कारण जो दोस्त मिल नहीं पाते वो आंख से आंसू बनकर निकलते हैं, आंख से आंसू। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। ये थे अतुल ज्वाला जी, जिन्होंने एक मार्मिक और एक बहुत ही देहात से परिपूर्ण कविता हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अतुल भाई, मैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज चैनल की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर
आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।